हेलो दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा और आज आपको लेकर आया हूँ ये मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन पूरा। आप देख रहे होंगे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये 15, 18 और 24 का लेस है क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 360। उसके बाद भौपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल -k 5/3। फिर है बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी 5। उसके बाद आप ये देख रहे हैं सवाल, इसका जो ऑप्शन है वो पहला। और अभी मैं आगे आपको दूसरे और तीसरे इन सवालों के सभी के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जैसे सेकंड क्वेश्चन है ये पूरा और थर्ड क्वेश्चन भी है पूरा, इनके सभी के सॉल्यूशन आपको अभी बताने वाला हूँ मैं। इसमें ध्यान से वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ये अड़े हैं 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। इसका राइट ऑप्शन है cos 90, क्योंकि 0 निकल का आएगा तो cos 90 का मान भी 0 होता है। इसके बाद आता है चा, पहले का ही। 3 लाल और 5 काली हैं, टोटल हो गई 8, और 3 लाल निकालनी है इसलिए 3/8 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड की ओर चलते हैं, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला कि एक पांसे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक बार 5 आ जाए। तो ये पूरा सॉल्यूशन मैंने सामने किया है कि पांसे को 2 बार जब उछालते हैं तो 6 × 6 पूरे 36 टोटल केस होते हैं। अब या तो पहले पांसे पर या दूसरे पांसे पर 5 5 आ जाए, उसके केस यही हो सकते हैं जो मैंने सामने लिखे हैं। ये टोटल केस 11 होंगे, इसलिए हमें जो प्रायिकता निकालनी है, 5 कम से कम एक बार जरूर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार भी आ जाए। तो अनुकूल परिस्थितियाँ 11, टोटल कुल परिस्थितियाँ 36, इसलिए 11/36 आंसर होगा। इसके बाद आप देखेंगे 2 का ख, ये डायग्राम बना हुआ है इसका, तो सीधा सा कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो AD/DV, AE/EC, ये डायरेक्ट मैंने लगाया है। और इन तीनों के मान रख दिए जो भुजाएं हमें दे रखी हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, AD का मान आपका भाग दे के ये आ गया। इसके बाद 2 का घ, तो 2 का घ में देखेंगे आप sin 52 sin 38 और cos 52 cos 38। इसमें से सबसे पहले हमने क्या किया, एक माइनस कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, cos A+B का फॉर्मूला बन गया, cos 90 हो गया, cos 90 का मान 0 हो गया, तो आंसर हुआ 0। इसके बाद 2 का घ, आप देख रहे हैं 2 का घ, इसमें है सवाल समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का 15वां पद ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, ये है इसका सॉल्यूशन 2 का घ का। हमने ए का मान निकाल लिया, दूसरे में से पहले को घटा के डी का मान निकाल लिया, -3 आ गए। 15 में पद को कहते हैं A+14D, इसलिए 14 * 42 घटाया तो 21 आ गया माइनस के, ये जो है 15वां पद हुआ। नेक्स्ट में देखेंगे 3 का फर्स्ट पार्ट। 3 का फर्स्ट पार्ट ध्यान से अलग ही टाइप का सा है। इसमें लिखा है कुछ संख्या 241/4000 और 241/2 की पावर n 5 की पावर n। तो हमने क्या करा, इनके फैक्टर कर लिए और 2 की पावर 5 बन गया, 5 की पावर 3, दोनों ओर की तुलना करा दी, तो m का मान 5 और n का मान 3 आ गया। इसके बाद इसका खा, इसमें क्या दे रखा है हमें, पहला पद दिया है 5, अंतिम पद l कहते हैं 45 दिया है, Sn का मान 400 दिया है। इसके बाद में हमने फॉर्मूला An का लगा दिया, इससे एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने जो है एक इक्वेशन आ जाएगी आ गई है। उसके बाद Sn का फॉर्मूला ये लगाया हमने, और Sn का मान हमें दे रखा है 400, तो ये 400 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, n का मान आ गया। n का मान फिर समीकरण नंबर 1 में रख दिया, जो यहाँ पर थी समीकरण 1 उसमें रख दिया, तो ये d का मान भी आ गया। इसके बाद चलते हैं 3 का घ, इसमें क्वेश्चन पूरा दे रखा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। ये कह रहे हैं एक अनुपात ज्ञात करना जो कि बिंदु इतने इतने के द्वारा इस बिंदु पर विभाजित करते हैं, तो हमें अनुपात निकालना है। ये मैंने बनाया हुआ है, दोनों बिंदु लिख दिए, बीच में ये बिंदु है विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो एक्स बराबर, ये हमने मान लिया कि इसका जो अनुपात है वो m1 और m2 है, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर। और एक्स का मान जो है -1 दे रखा है, वो -1 रख दिया, और m1 और x2 m2 x1 इनके मान रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई में m1 वाले एक तरफ कर लिए, m2 वाले एक तरफ कर लिए, 7m1 = 2m2 हो गया।
एम वन के बटे में एम टू को ले आए और संख्या को दूसरी साइड ले गए। तो ये हमने देखा कि 2:7 आ गया। ये तीसरे के सभी का सॉल्यूशन आपके सामने अभी हुआ है, और बाकी आगे का जो सॉल्यूशन है और भी पूरी दूसरी वीडियो में मेरे मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या क्या है इसके। और ये चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद ये पांचवा, ये छठा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 7, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।